Swayam Prabha, Digital India, Educated India. सभी लोगों को नमस्कार मैं जो विषय यहाँ पे इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहा हूँ वो विषय है वाद संस्थित करने का स्थान लेकिन इसके पहले मैं बता दूं कि हम लोग जो ये विषय डिस्कस कर रहे हैं ये विषय है सिविल प्रक्रिया संहिता तथा परिसीमा विधि तो इस विषय पे आने के पहले और विषय के चौथे लेक्चर पे आने के पहले मैं अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप सभी श्रोताओं को बता दूं मेरा नाम डॉक्टर प्रमोद तिवारी है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ मेरी पढ़ाई लिखाई सारी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से हुई है और मैं आसाम न्यायिक सेवा परीक्षा में न्यायिक ऑफिसर भी था तो बहुत छोटा सा एक इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया ताकि आप जाने कि आपको कौन बोल रहा है कौन एड्रेस कर रहा है इसके लिए मैंने आपको बता दिया तो ये जो लेक्चर है हमारा ये लेक्चर सी से संबंधित है बड़ा साठ में इसको सी बोलते हैं इस कानून के पेपर को हालांकि इसका पूरा नाम है सिविल प्रक्रिया संहिता तथा परिसीमा विधि तो इसमें हम लोगों ने ऑलरेडी तीन लेक्चर रिकॉर्ड कर चुके हैं हम लोगों ने पहला लेक्चर जो था वो सीपीसी के इंट्रोडक्शन के बारे में था दूसरा लेक्चर जो था वो सिविल न्यायालय की अधिकारिता के बारे में था तीसरा लेक्चर था सीपीसी का बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसको हम बोलते हैं स्टे सूट रेस कॉन्सेप्टेटा रेस्ट सब जुडिस और रेस्ट जुडिकेटा तो रेस्ट रेस जुडिकेटा धारा दस धारा ग्यारह तो ये सब हम लोगों ने देख लिया है पीछे आज का जो लेक्चर है जो हम लोग करने जा रहे हैं अभी लेक्चर नंबर चार इसकी जो टाइटल अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो आपकी इसकी टाइटल दिखेगी स्क्रीन में इसका नाम है वाद संस्थित करने का स्थान तथा वाद संस्थित करने की प्रक्रिया यह धारा पंद्रह से लेकर धारा इक्कीस ए तक भारतीय सिविल प्रक्रिया संहिता में वर्णित है तो इसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वाद दाखिल करने का स्थान जिसको बड़े ही कॉमन भाषा में हम बोलते हैं प्लेस ऑफ सुइंग प्लेस ऑफ सुइंग कहा पे आप सिविल मुकदमे को दाखिल कर सकते हो कौन स्थान है जहाँ पे आप मुकदमा दाखिल कर सकते हो तो इसको हम बोलते हैं प्लेस ऑफ सुइंग वाद दाखिल करने का स्थान धारा पंद्रह से लेके इक्कीस ए तक अब दूसरी स्लाइड पे मैं चलता हूं देखिए बहुत छोटा सा मैंने इसमें स्लाइड में बनाया है इसको मैं अभी चार्ट के माध्यम से आपको स्क्रीन पे समझा दूंगा कि वाद दाखिल करने के स्थान में इन पूरे ग्रुप ऑफ सेक्शन को अगर देखेंगे जो ये धाराएं हैं इतनी सारी इन धाराओं को तीन भाग में बांट सकते हैं जैसे मैं इसमें चार्ट के माध्यम से स्क्रीन पर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे जैसे वाद प्रस्तुत करने का स्थान स्थान तो इसको विशिष्ट तौर पे कहां पे विशिष्ट तौर पे कहां पे आप दाखिल करेंगे और तीसरा यह है कि अगर आपको आक्षेप लेना है अधिकारिता का अधिकारिता का आक्षेप अगर आपको लेना है आरा पंद्र, धारा पंद्रह धारा पंद्रह विशिष्ट के लिए हमारे पास है धारा सोलह सत्रह और अठारह विशिष्ट के लिए बल्कि उन्नीस अठारह तक न करके इसको हम ले चलते हैं विशिष्ट के लिए धारा सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस उन्नीस बीस यहां तक आप ले चलिए इसको धाराओं को ले लीजिए तो ये जो पूरा ग्रुप ऑफ सेक्शन हम लोगों ने देखा था अभी कि ये धारा पंद्रह से लेकर के धारा इक्कीस ए तक है इसको ऐसे हम बांट सकते हैं तो एक सामान्य है धारा पंद्रह विशिष्ट है धारा पंद्रह से सोलह से बीस और आक्षेप है धारा इक्कीस और इक्कीस ए अब थोड़ा सा जो विशिष्ट है ना इसको मैं थोड़ा अचल संपत्ति से संबंधित इसके लिए हमारे पास है धारा सोलह सत्रह और अठारह। दूसरा है हमारे पास चल संपत्ति कृत्य शरीर से अपकृत्य अगर यह बात है तब हमारे पास है धारा उन्नीस और तीसरा है हमारे पास अन्यवाद अन्य तरीके के अदरवाद इसको बोलते हैं तो यह है धारा बीस तो एक लिखा है कि सामान्य तौर पे अचल संपत्ति में सूट कहां पे फाइल होगा यह धारा सोरह बताती है धारा सत्रह सत्रह बताती है और धारा अठारह बताती है कि अगर ये अनिश्चित है ध्यान दीजिए, अगर यह अनिश्चित है कि प्रॉपर्टी कहां है तो धारा 18 इसकी प्रक्रिया बताती है तो ये जो चार्ट आप देख रहे हैं बड़ा एलोबरेट चार्ट है अब एक एक करके हम लोग इसको डिस्कस करेंगे ध्यान दीजिए सबसे पहले हम सामान्य की बात करेंगे चार्ट से ही आपको देखते जाना है और इससे आप सामान्य तौर पे हम बात कहां दाखिल करेंगे धारा पंद्रह बताती है अब देखिए लिखा हुआ है कि जो भी सिविल मुकदमा होगा वो अदालत में दाखिल किया जाएगा जो उसको ट्राई करने के लिए कॉम्पिटेंट है कोर्ट ऑफ लोएस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट टू ट्राई ध्यान दीजिए तो वो सबसे निचली अदालत जो मामले को देखने के लिए कॉम्पिटेंट है हम उसी में मुकदमा दाखिल करेंगे ये धारा पंद्रह बता रहा है जैसे मैं इसको थोड़ा सा एलोबरेट करते हुए आपको बताऊं जैसे मान लीजिए हमको एक प्रॉपर्टी को लेकर के मुकदमा दाखिल करना है और वो हमारी प्रॉपर्टी जो है वो बनारस में है और जो अपोजिट पार्टी है वो दिल्ली में रहता है या वो कलकत्ता में रहता है या वो मान लो बनारस में ही रहता है तो उस प्रॉपर्टी को लेकर हमको सूट फाइल करना है मैं सोच रहा हूं कि मैं तो दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूं रोज सुप्रीम कोर्ट के अगल बगल से आता जाता हूं क्यों नहीं इस प्रॉपर्टी का सीधे मुकदमा मैं सुप्रीम कोर्ट में कर दूं और मैं इसको सुप्रीम कोर्ट में लेके जाता हूं तो क्या उस प्रॉपर्टी को सीधे हम सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दाखिल करें क्योंकि हमारे लिए सुविधाजनक है कि मैं दिल्ली में रहता हूं और सुप्रीम कोर्ट में मैं, मैं मामले को रोज देख भी लूंगा तो क्या लॉ इसको परमिट करता है हमको धारा पंद्रह कहती है नहीं आपको मुकदमा कहां से शुरू करना है सबसे निचली अदालत से सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ लोवेस्ट ग्रेड ध्यान दीजिए ये वार्ड है उसमें धारा पंद्रह में सबसे निचली अदालत में आपको मुकदमा प्रस्तुत करना है और सबसे निचली अदालत जो आपके मामले को देखने के लिए सक्षम हो अब ये जो बात आती है कि हमको बनारस से स्टार्ट करना पड़ेगा पहले हम वहां पे दाखिल करेंगे मान लीजिए वहां मुकदमा हार जाते हैं तो फिर हम अपील करके इलाहाबाद हाई कोर्ट में आएंगे मान लीजिए वहां से भी हम हार जाते हैं फिर हम सुप्रीम कोर्ट में आएंगे तो जैसे छत पे जाने के लिए सीढ़ियां बनी होती हैं सीधे हम रूप पर नहीं कूद के जा सकते उसी तरीके से मुकदमे के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं तो आपको जो अपना मामला स्टार्ट करना है शुरू करना है वो सबसे निचली अदालत से शुरू करना है जो आपके मामले को ट्राई करने के लिए सक्षम हो अब ध्यान दीजिए इसमें जो सबसे निचली अदालत है इसका क्या मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है सबसे निचली अदालत का मतलब कतई नहीं कि सबसे छोटी अदालत ये कतई नहीं सबसे निचली न्यायालय का मतलब कभी कभी सुप्रीम कोर्ट भी सबसे निचली अदालत होगी और कभी कभी सिविल जज जूनियर डिवीजन जो जिले में बैठा हुआ है वो भी सबसे निचली अदालत होगा जैसे मान लीजिए हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू दस हजार रुपया दस हजार रुपए की प्रॉपर्टी है मैक्सिमम उसकी वैल्यू दस हजार है तो हमारे लिए जो सबसे निचली अदालत है वो सिविल जज जूनियर डिवीजन है क्योंकि दस हजार का मामला है सिविल जज जूनियर डिवीजन को दिया गया है अगर फर्ज करें ये उसका करेंशन है तो तो हमारे लिए जो कॉम्पिटेंट टू ट्राई है वो सिविल जज जूनियर डिवीजन है तो हम मुकदमा वहां पर दाखिल करेंगे लेकिन मान लीजिए हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन हो गया या असीमित पिक्वेनरी ज्यूरिस्टिक्शन का हमारा मामला है करोड़ों करोड़ों का मामला है तो उसके लिए जो निचली कोर्ट होगी वो जीवन सिविल जज जूनियर डिवीजन नहीं होगी क्योंकि उसकी आर्थिक अधिकारिता सीमित है तो हमारा मामला तो कई करोड़ का है तो हमको उस अदालत को देखना पड़ेगा जिसको उतने सब्जेक्ट मैटर का जो रिस्ट्रिक्शन हो तो हमारे लिए वो वाली कोर्ट सबसे निचली अदालत होगी मान लीजिए दस करोड़ का मामला है दिल्ली के कनाट प्लेस पे स्थित है हमारी प्रॉपर्टी और उसका विवाद है और मामला दस करोड़ का है तो जब दस करोड़ का मामला है तो दस करोड़ के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि हमको लग रहा है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाना पड़ेगा क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जज को आर्थिक अधिकारिता है तो हम सिविल जज जूनियर डिवीजन में नहीं तो इलाहाबाद कोर्ट हमारे लिए सबसे निचली अदालत है या अगर हम दिल्ली में रहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए सबसे निचली अदालत है स्टार्ट कर देंगे। तो कहने का मतलब जो धारा पंद्रह बताता है कि सूट टू बी इंस्टीट्यूटेड इन कोर्ट ऑफ लोवेस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट टू इट इसका मतलब निचली अदालत एक रिलेटिव नहीं है की करेंगे और, को हम निर्धारित करेंगे और उस हिसाब से हम मुकदमा दाखिल करेंगे तो यह है पंद्रह लेकिन आपका कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर होना चाहिए कि कोई भी मुकदमा सबसे निचली अदालत से स्टार्ट होगा और क्रमशः करते करते वह ऊपरी अदालत तक जाएगा और लास्ट तक आपके पास चूंकि अधिकार है आप एक मैगजिम चलती है लॉ में इसको हम बोलते हैं यू बी जस्ट ई बी रिमीडियम जहां अधिकार है वहां उपचार है तो चूंकि आपका अधिकार है आपका अधिकार प्रभावित हुआ है उसके उपचार के लिए आप जा सकते हो कहां तक जा सकते हो आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हो लेकिन एक एक करके आपको जाना है सीधे सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाना है कानून इसको रोकता है इसको एक कॉन्सेप्ट के नाम से भी जानते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ अल्टरनेटिव रेमेडीज ध्यान दीजिए आपके पास ऑलरेडी अल्टरनेटिव उपचार उपलब्ध है अल्टरनेटिव जो उपचार है उपलब्ध है तो पहले आप वहीं जाइए ना सबसे बड़ी कोर्ट में आप क्यों आ रहे हैं निचली अदालत में जब आपके लिए उपचार उपलब्ध है तो आप पहले निचली अदालत में जाएं क्योंकि अगर सब लोग सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में सीधे जाने लगेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के पास तो पूरे देश का मामला आता है छोटा सा छोटा मामला अगर सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट तो ओवरबर्डन हो जाएगी कैसे डिसाइड करेगी तो ये सब कन्वीनियंस का रूल है जिसमें कानून ये कहता है कि नहीं भाई यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम कोर्ट ऑफ लोवेस्ट ग्रेड ठीक है ना तो ये है सेक्शन पंद्रह सामान्य बात करता है इसमें किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी के नेचर का क्लासिफिकेशन नहीं है यह केवल इतनी बात करता है कोई भी मुकदमा होगा सबसे निचली अदालत जो उसको सुनने में सक्षम है आपको मुकदमा वहां से स्टार्ट करना पड़ेगा तो यह चार्ट में आप देखेंगे धारा पंद्रह की हम लोगों ने बात किया जो सामान्य तौर पे मुकदमा कहां पे संस्थित किया जाएगा अब जो चार्ट में दूसरी बात है विशिष्ट रूप में मुकदमा कहां पे संस्थित किया जाएगा इसके लिए हमारे पास धारा सोरह से बीस है मैंने लिखा हुआ है चार्ट में आप देखिए अब इस चार्ट को पहले हम एक्सप्लेन करते हैं फिर हम आक्षेप पे आएंगे तो विशिष्ट वाले में जब आएंगे तो इसको नीचे हमने तीन भाग में बांटा हुआ है हम पहला कर रहे हैं अचल संपत्ति के मामले में कहा होगा चल संपत्ति और शरीर से अपकृत्य के मामले में कैसे होगा और अन्य के मामले में कैसे होगा तो सबसे पहले आप अचल संपत्ति पे आइए जो चार्ट में आपको दिख रहा है अचल संपत्ति धारा से लेकर अठारह तक तो धारा सोलह से अठारह तक अचल संपत्ति की बात है इसको फिर हमने तीन भाग में बांटा है अगर चार्ट को आप देखेंगे हम पहला हैं सामान्य तौर पर अचल संपत्ति से मुकदमा कहां होगा धारा सोरह विशेष तौर पर कहां पे होगा सत्रह और अठारह तो सत्रह अठारह में अनसर्टेन है और डिफरेंट कोर्ट में है तब वहां पे आएगा तो अब पहले हम अचल संपत्ति की बात करते हैं ध्यान दीजिए धारा अचल अचल संपत्ति अब अचल संपत्ति अब से संबंधित अगर मुकदमा आपको दाखिल करना है तो कैसे करेंगे और कहां करेंगे धारा सोरह सामान्य बात बताता है ध्यान दीजिए धारा सोलह में क्या लिखा हुआ है अगर सूट रिकवरी ऑफ रेंट से संबंधित है अचल संपत्ति से रिकवरी ऑफ रेंट का मुकदमा है अचल संपत्ति के पार्टीशन का मामला है अचल संपत्ति में मार्गेज से संबंधित फोरक्लोजर रिडम्सन और सेल का मामला है अचल संपत्ति के किसी भी तरीके से लॉस के द्वारा का मामला है, या अचल संपत्ति से संबंधित और कोई आपका क्लेम है या आपके पास मूवेबल प्रॉपर्टी है चल संपत्ति है जो कोर्ट ने एक्चुअली डिस्टेंट और अटैच कर दिया है सीज कर दिया है तो इस सारे मामले में आप मुकदमा कहां पे दाखिल करेंगे जहां पे वो अचल संपत्ति स्थित है ध्यान दीजिए जहां पे वो अचल संपत्ति स्थित है तो अचल संपत्ति से मुकदमा कहां पे होगा जहां पे वो प्रॉपर्टी स्थित होगी वहीं पे मुकदमा होगा मान लीजिए मैं रहता हूं दिल्ली में हमारी प्रॉपर्टी है बनारस में और जिस बंदे ने हमारी प्रॉपर्टी के खिलाफ गलत काम किया है उस प्रॉपर्टी को डैमेज और डिस्ट्रॉय किया है वो बंदा रहने वाला है चेन्नई का तो इससे मतलब नहीं है कि जो ओनर है वो कहां रहता है जिसने अपकृत्य उस प्रॉपर्टी को लेकर के रॉन्ग कमिट किया है वो कहां रहता है इससे मतलब नहीं है यहां पे सीपीसी आंसर करती है कि इससे संबंधित मुकदमा वहीं पे होगा जहां पे वो अचल संपत्ति स्थित होगी तो सो धारा सोरा यही बात बताती है अब अचल संपत्ति से संबंधित कैसा मुकदमा यही इनमरेशन है रिलेट्स टू तो रिकवरी ऑफ रेंट रिलेट्स टू तो प्रॉपर्टी ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी या रिलेट्स टू तो फोर क्लोजर रिडमशन और सेल ओवर दार्गेज ऑफ दैट प्रॉपर्टी या ये रिलेट करती है कंपनसेशन ओवर रॉन्ग टूबल प्रॉपर्टी ये रिलेट करती है any other right over property, या ये ये करती है property actually under distinct or attachment. तो ये सारे को लेकर के मुकदमा कहां पे इस इस पे स्थित 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 होगा अचल संपत्ति इस होगी इसको कानून की भाषा में एक रूल के नाम से जानते हैं जो मैं यहां पे अभी स्क्रीन पे लिखने जाता हूं लिखने जा रहा हूं इसको हम बोलते हैं रूल ऑफ लेकूटस ध्यान दीजिए रूल ऑफ लेक्स टस रूल ऑफ लेक्स सूटस बोलते हैं इसको वाद प्रस्तुत करने के स्थान में पहला रूल है रूल ऑफ लेक्स सूटस का मतलब जहां प्रॉपर्टी स्थित है वेयर प्रॉपर्टी सेचुएट यू कैन इंस्टीट्यूट द सूट देयर तो वेयर योर प्रॉपर्टी सेचुएट आंसर कौन बताता है रूल ऑफ लेकूटस और जहां पे प्रॉपर्टी स्थित है वहां पे आप मुकदमा कर देंगे तो धारा सोरा इसका बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इस रूल का जो धारा सोरा में यही बात बताया गया है कि अचल संपत्ति से संबंधित ये सारे मुकदमे जो मैं अभी आपको इनोमरेट किया ए बी सी डी ई एफ ये सारे मुकदमे कहां पे होंगे जहां पे अचल संपत्ति स्थित होगी अब ध्यान दीजिए इसमें एक बात है धारा सोलह की प्रविजो है धारा सोलह में एक एक्सेप्शन है उसमें क्या लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है अगर डिफेंडेंट का पर्सनल ओबीडियंस है एक फ्रेज है उस प्रविजो के अंदर अगर डिफेंडेंट का पर्सनल ओबीडियंस है तब मामला कहां पे स्थित होगा हालांकि मामला अचल संपत्ति का है लेकिन डिफेंडेंट जो है पर्सनली ओबे कर रहा है इसको जैसे मान लीजिए हमारी प्रॉपर्टी बनारस में स्थित है एक बंदा अपनी कार चलाते हुए जा रहा है और हम कार से धक्का मार दिया हमारी प्रॉपर्टी का गेट टूट गया हमारे घर का गेट टूट गया और जैसे ही गेट टूट गया तो हमारी चारदीवारी भी थोड़ी टूट गई ईंट टूट बिखर गए और हमारी प्रॉपर्टी डैमेज हो गई अब ध्यान दीजिए अब अचल संपत्ति हमारी बनारस में स्थित है हम इसमें मुकदमा कहां पे दाखिल करेंगे बनारस में दाखिल करेंगे क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा अचल संपत्ति से संबंधित मुकदमा वहीं होगा जहां अचल संपत्ति स्थित होगी लेकिन यहां पे एक और रूल बताता है धारा सोरा क्या बताता है वो ये बताता है कि अगर डिफेंडेंट जो है जिसके खिलाफ आप मुकदमा करना चाहते हैं उसको डिफेंडेंट बोलते हैं अगर डिफेंडेंट जो है उसका पर्सनल ओबीडियंस है वो एक्सेप्ट करता है कहता है भाई हमसे गलती हो गई मुझे उतना तेज गाड़ी नहीं चलाना चाहिए था हमको सावधानी से जाना चाहिए था लेकिन कुल गलती के बाद हमसे आपका गेट और चार दिवारी टूट गई है तो मैं उसको ओबे कर रहा हूं मैं मान रहा हूं कितना कंपनसेशन देना है हमको आप बता दीजिए हम कंपनसेशन आपको दे देंगे तो यहां पर अब मुकदमा वहां पर भी हो सकता है जहां डिफेंडेंट रहता है ध्यान दीजिए अब मान लीजिए वो डिफेंडेंट लखनऊ का रहने वाला है और मैं दिल्ली रहता हूं हमारी प्रॉपर्टी बनारस में है और डिफेंडेंट ने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई गलती हमसे हो गई है जो भी कोर्ट डिसाइड करेगी उतना पैसा हम आपको दे देंगे तो अब यहाँ पे अब हमारे पास दो ऑप्शन है या तो मैं मुकदमा वहां पर दाखिल करूं जहां प्रॉपर्टी सिचुएट करती है मैंने बनारस में और या तो मैं मुकदमा लखनऊ में दाखिल करूं जहां पे डिफेंडेंट रहता है क्योंकि डिफेंडेंट ईमानदार आदमी है वो सही में बता दे रहा है तो उसको अगर बनारस तक आप बार बार दौड़ाएंगे तो उसको दिक्कत आएगी तो क्यों ना लखनऊ में उसी के घर मुकदमा दाखिल कर दें ताकि हर डेट पे जाने में उसको कन्वीनियंट हो जाएगा चूंकि वो पर्सनल ओबीडियंस है चूंकि वो मामले को एक्सेप्ट कर रहा है इसलिए उसको एक तरीके का कंसेशन कानून प्रदान करता है और कहता है आप के घर में भी दाखिल कर सकते हैं तो जहां डिफेंडेंट रहता है वहां पे कर सकते हो या तो यहां प्रॉपर्टी सिचुएट कर कर वहां पे कर सकते हो धारा ये बात बताता है लेकिन ये एक्सेप्शन है ये है ध्यान दीजिए धारा का जनरल रूल यही कि अचल संपत्ति से संबंधित मुकदमा वहीं पे होगा जहां पे अचल संपत्ति स्थित होगी लेकिन अगर पर्सनल ओबीडियंस है डिफेंडेंट का तब प्लेंटिव के पास दो ऑप्शन है कंपल्सन नहीं है प्लेंटिव के ऊपर कि चूंकि वो मान लिया तो हम जबरदस्ती डिफेंडेंट के घर में ही हमको दाखिल करना पड़ेगा ना ये हमारे पास कंपल्सन नहीं है हमारे पास अब दो ऑप्शन हो गया पहला ऑप्शन है या तो हमें बनारस में दाखिल करूं और दूसरा ऑप्शन है या तो मैं लखनऊ में दाखिल करूं क्योंकि उसका पर्सनल है, ना? तो ये है ठीक आप आपको बताया इसको एक रूल के नाम से जानते हैं और इस रूल को मैं स्क्रीन लिखने जा रहा हूं इसको देखिएगा थोड़ा सा इस रूल को बोलते हैं रूल ऑफ रेजिडेंस ध्यान दीजिए रूल ऑफ रेजिडेंस रेजिडेंस निवास स्थान से संबंधित रूल तो ये जो बात प्रस्तुत करने के स्थान में दो रूल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है रूल ऑफ लेकूटर्स और रूल ऑफ रेजिडेंस रूल ऑफ का मतलब जहां प्रॉपर्टी सिचुएट करेगी और रूल ऑफ रेजिडेंस का मतलब जहां डिफेंडेंट का रेजिडेंस होगा रेजिडेंस का कतई मतलब प्लेंटिव का रेजिडेंस नहीं है जो बात प्रस्तुत करता है उसका रेजिडेंस नहीं है जबकि अपोजित पार्टी का रेजिडेंस है ध्यान दीजिएगा आप इसको तो रूल ऑफ रेजिडेंस का मतलब जहां डिफेंडेंट रिजाइड करता है अब आप एक क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं कहेंगे कि सर यह तो बड़ी गलत बात है कि प्लेंटिप बेचारे का घर भी टूट गया उसकी चारदीवारी भी टूटी उसका गेट भी टूटा और अपने घर में वो मुकदमा नहीं दाखिल कर सकता क्योंकि रूल तो केवल दो ही है या तो जहां प्रॉपर्टी है और या तो जहां डिफेंडेंट रहता है अपोजिट पार्टी कर रहा है क्यों नहीं प्लेटिव के घर में मुकदमा दाखिल करने का ऑप्शन कानून बताता है क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी लॉस हुई है तो हम दिल्ली में रहते हैं हम दिल्ली में ही मुकदमा दाखिल करते हैं हमारे लिए भी कन्वीनियंट हो जाएगा ऐसा कानून क्यों नहीं कहता है ये बात आप प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं तो इसका उत्तर मैं आपको बताऊं प्लेंटिव के घर में वाद दाखिल करने के लिए कानून परमिट नहीं करता इसलिए नहीं करता क्योंकि प्लेंटिव क्या करेगा अगर हमारे घर में मुकदमा दाखिल करना है तो मैं फेक शूट भी फाइल करना शुरू कर दूंगा किसको जो हमारा अपोनेंट है जो हमारा राइवल है जो हमारा एनिमी है जिसको मैं नहीं लाइक करता हूँ उसके खिलाफ ना मैं दिल्ली में ही फेक सूट फाइल करूंगा मान लीजिए वो मैं मेरा गांव बनारस में है और बनारस में रहता है वो मेरा बहुत दिन से दुश्मन है मैं दिल्ली में सूट उसके खिलाफ फाइल कर दूंगा चार पाँच और हर महीने में तीन चार डेट पड़ेगी और हर डेट में वो नहीं आएगा तो कोर्ट का समन जाएगा वारंट जाएगा गिरफ्तार हो जाएगा तो उसको परेशान करने के लिए फेक सूट शुरू हो जाएंगे देश में और जो प्लेंटिव है वो प्लेंटिव को तो कुछ नहीं करना है वो अपने घर में अपने घर में सूट फाइल कर दिया तो इसलिए इस चीज को रोकती है सी, पी सी है नहीं अगर हमको दूर जाकर के मुकदमा दाखिल करना होगा तो हम तभी करेंगे जब जेनुइन मुकदमा होगा और हमारे ही घर में करना है तो हम फालतू मुकदमा भी करना शुरू कर देंगे तो इससे अपोजिट पार्टी हैरस हो जाएगा तो इससे क्या होगा कोर्ट को भी परेशानी होगी फेक सूट भी शुरू हो जाएंगे फेक सूट शुरू हो जाएंगे जो जेनुइन मामले हैं वो डिसाइड नहीं होंगे और पता चलेगा फेक मामले को लेकर के कोर्ट दौड़ रही है तो कुल मिलाकर के जस्टिस डिनाइल हो जाएगा इसीलिए प्लेंटिव के घर में सूट इंस्टीट्यूट करने का रूल नहीं है राधर डिफेंडेंट के घर में है और या तो अगर अचल संपत्ति है तो जहां प्रॉपर्टी सेचुएट करती है तो ये धारा सोलह की बात हुई धारा सोरा क्या बताता है फिर मैं बता दूं धारा सोलह कहता है जहां पे अचल संपत्ति सिचुएट करेगी मुकदमा वहीं पे होगा कुछ स्थिति में जहां पर पर्सनल ओबीडियंस है डिफेंडेंट का वहां मुकदमा या तो ये प्लेंटिव के ऊपर है या तो डिफेंडेंट के घर में करे या तो जहां प्रॉपर्टी सिचुएट करती है वहां पे करे तो ये दो धारा हम लोगों ने देखा अभी तक धारा पंद्रह जो जनरल बात करती है कहां पे सूट इंस्टीट्यूट करना है सबसे निचली अदालत से शुरू करना है सबसे निचली अदालत क्या है ये फैक्ट और सिचुएशन का मामला है इसको हम मैथमेटिक्स के तरफ से सॉल्व करके एक ही बार नहीं बता सकते कि ये सबसे निचली अदालत है ना ये डिपेंड करेगा कैसा मामला है तो कौन अदालत निचली है ये धारा पंद्रह थी धारा सोलह बताती है कि अचल संपत्ति से संबंधित मुकदमा जहां पर स्थित होगा या जहां डिफेंडेंट रिजाइड करेगा वहां पे कर सकते हैं अब अचल संपत्ति की हम लोग बात कर रहे हैं अगर आप चार्ट में आएंगे फिर से एक बार अगर आप चार्ट पे देखें तो हम लोगों ने अचल संपत्ति को तीन भाग में बांटा हुआ है सामान्य रूप से अचल संपत्ति से संबंधित मुकदमा दूसरा हम लोगों ने देखा जब अचल संपत्ति विभिन्न न्यायालयों में स्थित है धारा सत्र लिखा हुआ है नीचे देखिए धारा सत्र जब अचल संपत्ति डिफरेंट कोर्ट में सिचुएट करती है डिफरेंट कोर्ट में कैसे सिचुएट करेगी मैं आपको एक्साम्पल बताता हूं जैसे मान लीजिए हमारे पास बीस हेक्टेयर का एक प्लाट है फर्ज करें आप हमारे पास बीस हेक्टेयर का प्लाट है और उस बीस हेक्टेयर के प्लाट के बीच से एक सड़क जाती है वो सड़क जो है हमारे प्लाट को दो भाग में बाइफरकेट कर देती है एक तरफ दस हेक्टेयर और एक तरफ दस हेक्टेयर दो भाग में बटा हुआ है रोड के उस पार दस और रोड के इस पार दस लेकिन दोनों मिलाकर के हमारी प्रॉपर्टी एक ही है अब मान लीजिए इस पूरी प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद है हमारे और हमारे भाई के बीच में मान लीजिए बंटवारा है उस प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी को लेकर के के तो तो ये ये पूरी का की बात है ये जो सड़क है ये सड़क डिवीजन लाइन है दो डिस्ट्रिक्ट के बीच में एक पड़ गया मान लीजिए बनारस में दूसरा पड़ गया मान लीजिए गाजीपुर में उसका पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट है अगर यूपी की मैं बात करूं तो तो मान लीजिए वो सड़क ऐसी डिवाइडेड लाइन है जो हमारे प्रॉपर्टी को दो भाग में बांटता है एक जो है बनारस में पड़ गई और एक जो है गाजीपुर में पड़ गई

इन दोनों में से जब वो किसी में जाएगा तो उसको एक चीज देखना पड़ेगा कि जिस कोर्ट में मैं जा रहा हूं क्या वह कोर्ट हमारे इस मामले को ट्राई करने के लिए सक्षम है कि नहीं है जैसे मान लीजिए बनारस की तरफ हमारा पंद्रह हेक्टेयर है और गाजीपुर की तरफ हमारा पांच हेक्टेयर है ध्यान दीजिए तो जब मैं गाजीपुर वाली अदालत में जाऊंगा तो पांच हेक्टेयर के लिए मैं छोटी अदालत में नहीं जाऊंगा क्योंकि हमारा पूरा मामला वहां पर जा रहा है बीस हेक्टेयर का तो हमको या तो मैं गाजीपुर में दाखिल करूं चाहे बनारस में दाखिल करूं हमको बड़ी अदालत चूज करना पड़ेगा जिसको पूरे 20 हेक्टेयर के मामले को निस्तारित करने का जो होगा हमको उसी में जाना पड़ेगा ये कंडीशन है सत्रह के साथ तो चाहे तो आप यहां पर और चाहे तो वहां पर दोनों में से किसी डिस्ट्रिक्ट में दाखिल कर सकते हैं लेकिन दाखिल करने के लिए आपको यह देखना होगा कि क्या आपका सब्जेक्ट मैटर वो कोर्ट कॉम्पिटेंट है ट्राई करने के लिए अगर वह कोर्ट कॉम्पिटेंट है उस सब्जेक्ट मैटर को ट्राई करने के लिए तो आप मुकदमा चाहे यहां सं, करें चाहे वहां इंस्टीट्यूट करें आपके ऊपर है तो जब प्रॉपर्टी सिचुएटेड डिफरेंट ऑफ द कोर्ट देन अकॉर्डिंगली टू बी इंस्टीट्यूटेड अब आप आइए धारा अट्ठारह धारा अट्ठारह क्या बोल रहा है धारा अट्ठारह कहता है कि अगर यह अनिश्चित है चार्ट में भी आप देखेंगे तो आपको दिखेगा अगर यह अनिश्चित है कि प्रॉपर्टी कहां स्थित है इट इज अनसर्टेन वेयर प्रॉपर्टी सिचुएट्स ये कैसे संभव है कि भाई ये अनसर्टेन है यह अनिश्चित है कि प्रॉपर्टी कहां स्थित है ये कैसे संभव है ये संभव कैसे हो जाता है मैं बताऊंगा आपको जैसे मान लीजिए अभी तक हमारी प्रॉपर्टी कानपुर में है लेकिन कुछ ऐसा नेचुरल क्लैमिटी आ गया कि जो लाइन डिवीजन है वो लाइन डिवीजन डिस्ट्रॉय हो गया और लाइन डिवीजन के डिस्ट्रॉय होने से उसके खराब होने से उसके नष्ट होने से अब मैं ये नहीं आइडेंटिफाई कर रहा हूं कि कानपुर और पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट के बीच में जो लाइन ऑफ डिमार्केशन था वो यही है कि दो किलोमीटर आगे है ये मैं नहीं डिसाइड कर पा रहा हूं तो मैं अनसर्टे के सिचुएशन में आ गया कि यार अभी तक तो ये मेरी प्रॉपर्टी थी क्योंकि लाइन डिवीजन क्लियर था अब लाइन डिवीजन ही नहीं क्लियर है मान लीजिए कोई नदी है वो नदी का रास्ता बदल गया आधा किलोमीटर मेरी प्रॉपर्टी नदी के उस पार थी तो उस डिस्ट्रिक्ट में थी नदी के इस पार थी तो इस डिस्ट्रिक्ट में थी अब नदी ने ही रास्ता बदल दिया मेरी प्रॉपर्टी अभी तक उस पार थी अब इस पार हो गई तो अब इसको हम कैसे बताएं और इसको हम क्या माने क्योंकि रिकॉर्ड में तो अभी उधर ही लिखा होगा लेकिन अनसर्टेन हो गया तो धारा अठारह इस चीज की बात करता है कि जब यह कि जब अनसर्टेन आप आप हो आपकी लेकिन इसमें कुछ प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है जो फुलफिल होना चाहिए क्या प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है आपको न्यायालय में जाना पड़ेगा आपको न्यायालय में ग्राउंड ऑफ अनसर्टेनिटी को एलिज करना पड़ेगा ध्यान दीजिए ग्राउंड ऑफ अनसर्टेनिटी का एलिगेशन होगा आपके तरफ से माने आप बताएंगे कि क्यों यह अनिश्चित है कि हमारी प्रॉपर्टी कहां सेचुएट करती है क्यों यह अनिश्चित है तो अनिश्चितता का कारण आपको न्यायालय में एक्सप्लेन करना पड़ेगा एलिज करना पड़ेगा कंटेंट करना पड़ेगा जब आपने अनिश्चितता का ग्राउंड कोर्ट में एलिज कर दिया कोर्ट का क्या जिम्मेदारी है सब लिखा हुआ है धारा अठारह में कोर्ट की क्या जिम्मेदारी है कोर्ट इसको क्या करेगी ग्राउंड ऑफ अनसर्टेनिटी को रिकॉर्ड करेगी रिकॉर्ड करने के बाद अगर कोर्ट हो जाती है आफ्टर हियरिंग ऑफ अपोजिट पार्टी अगर कोर्ट हो जाती है कि सही बात है ग्राउंड ऑफ अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है आपके मामले में तब तो वो कोर्ट उस मामले को इंटरटेन करेगी लेकिन अगर कोर्ट को आपके ग्राउंड ऑफ अनसर्टेनिटी एलिज करने के बाद और कोर्ट को रिकॉर्ड करने के बाद अगर कोर्ट को लग रहा है कि नहीं इसमें तो ऐसी कोई बात नहीं है तो कोर्ट आपके मामले को एक्सेप्ट नहीं करेगी कहेगी नहीं, नहीं नहीं आप जाइए यहां कोई अनसर्टनिटी नहीं है फला कोर्ट फला डिस्ट्रिक्ट में है उसी डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट में जाइए हम आपके मामले को नहीं टिक अप करेंगे तो ये इसमें प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है कि आपको ग्राउंड ऑफ अनसर्टेनिटी एलीज करना पड़ेगा कोर्ट को उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा कोर्ट उससे सेटिस्फाई हो जाएगी तब कोर्ट आपको परमिट करेगी अब ध्यान दीजिए इसमें एक बात और है कि जैसे मान लीजिए ग्राउंड ऑफ अनसर्टेनिटी हमने एलीज भी कर दिया कोर्ट ने उसको रिकॉर्ड भी कर लिया कोर्ट प्रोसीड भी कर गई और कोर्ट ने डिसाइड भी कर दिया इसके बाद भी एक पार्टी एग्रीव्ड है क्योंकि उसको लग रहा है कि जिस कोर्ट ने डिसाइड किया है उसके जोरिस्टिक्शन में नहीं है जबकि दूसरे के जोरिस्टिक्शन में है तो वो क्या करेगी वो पार्टी इसको रेज कर सकती है इसका ऑब्जेक्शन तो धारा में आगे लिखा हुआ है कि अगर इसका ऑब्जेक्शन आपको रेज करना है बिफोर अपीलेट कोर्ट या बिफोर रिविजनल कोर्ट क्योंकि आप अपीलेट कोर्ट में जाके कहेंगे कि जज साहब इनके जोरिस्टिक्शन का मामला ही नहीं था लेकिन फिर भी इन्होंने ग्राउंड ऑफ हर सर्टेटी रिकॉर्ड कर लिया और मामले को डिसाइड कर दिया तो आप इसको खारिज कर दें अगर ये चीज आपको करना है तो आप इसको रेज कर सकते हैं कहां पे रेज कर सकते हैं अपीलेट या रिविजनल कोर्ट में रेज कर सकते हैं कब तक रेज करेंगे अर्लिएस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी ध्यान दीजिए लिखा हुआ है उसमें जितना जल्दी संभव हो सके उतना जल्दी आप इसको रेज करेंगे ये नहीं है कि मामला आज डिसाइड हो गया दस साल के बाद आप इसको रेज करने जा रहे हो कि ये जो कोर्ट ने डिसाइड किया था वो गलत है ना अर्लिएस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी लिखा हुआ है जितना जल्दी संभव हो सके उतना जल्दी जाकर के आप इसको रेज कर दें वहां पर जब आप रेज करेंगे अपीलेट और रिविजनल कोर्ट में अपीलेट और रिविजनल कोर्ट को लगेगा कि सही बात है ग्राउंड ऑफ अनसर्टेनिटी तो, तो थी ही नहीं फिर भी इस कोर्ट ने रिकॉर्ड कर लिया और डिसाइड कर दिया तो फिर भी अपीलेट और रिविजनल कोर्ट इस डिक्री को खारिज नहीं करेगी ध्यान दीजिए खारिज तभी करेगी जब इसमें कॉन्सिक्वेंट फेल्योर ऑफ जस्टिस है ये लिखा हुआ है धारा ग्यारह में कॉन्सिक्वेंट फेल्योर ऑफ जस्टिस इसका क्या मतलब इस निस्तारण के द्वारा न्याय की अवहेलना हो गई है

लेकिन अगर अपीलेट कोर्ट को लग रहा है कि नहीं भाई एक तो अनसर्टेनिटी भी नहीं थी फिर भी आपने उसको अनसर्टेन मान लिया कोर्ट होने के नाते और फिर भी आपने उसको डिसाइड किया और जब डिसाइड किया तो उसमें भी रॉन्गली आपने डिसाइड कर दिया एक पार्टी के अधिकार का हनन हो गया अगर इस तरीके की बात है तो अपीलेट और रिविजनल कोर्ट क्या करेगी ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस आपकी डिक्री को खारिज कर देगी तो यह धारा अट्ठारह में बताया गया है कि अगर अनसर्टेनिटी है तो मामला ऐसे जाएगा तो ये था अचल संपत्ति से संबंधित अगर आपको मुकदमा दाखिल करना है तो हम लोगों ने देखा धारा सोलह धारा सत्रह धारा अठारह क्या देखा मैं थोड़ा सा समराइज कर दू इसको धारा सोलह में हम लोगों ने देखा अचल संपत्ति से संपत्ति से कोई भी मामला हो तो ये वहीं पे इंस्टीट्यूट होगा जहां अचल संपत्ति स्थित है या अगर पर्सनल ओबीडियंस है डिफेंडेंट का तब आप इसको दो जगह दाखिल कर सकते हो जहां प्रॉपर्टी स्थित है चाहे जहां डिफेंडेंट रिजाइड करता है धारा सत्रह बोल रही है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी डिफरेंट कोर्ट में है विभिन्न न्यायालयों में है तो कोई बात नहीं है आप जितने विभिन्न न्यायालय हैं उसमें किसी एक में दाखिल कर दीजिए लेकिन जब किसी एक में दाखिल करेंगे तो आपको यह ध्यान देना पड़ेगा कि जिस कोर्ट में आप दाखिल कर रहे हैं क्या वो पूरी प्रॉपर्टी को टेकअप करने के लिए सक्षम है कि नहीं है और तीसरी बात कर रहा है कि जब कोर्ट आपका जब यह अनिश्चित है कि आपका कोर्ट कौन है और आपकी प्रॉपर्टी कहां सिचुएट करती है अनसर्टेन है तब आप क्या करेंगे फिर भी आप किसी भी जितनी अनसर्टेनिटी वाली पॉसिबल अनसर्टेन कोर्ट है उसमें से किसी में आप दाखिल कर सकते हैं लेकिन उसमें हमने क्या बताया ग्राउंड ऑफ अरसर्टेनिटी आपको एलीज करना पड़ेगा उसको कोर्ट को रिकॉर्ड करना पड़ेगा कोर्ट को सेटिस्फाई होना पड़ेगा और तब कोर्ट डिसाइड कर देगी अगर कोर्ट को कुल के बाद डिसाइड कर देती है तो अपीलेट और रिवीजनल कोर्ट में अगर, अगर अपोजिट पार्टी इसका ऑब्जेक्शन लेगा तो अपीलेट और रिवीजनल कोर्ट इसको तभी खारिज करेगी जब इसमें कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ जस्टिस है और अगर नहीं है तो खारिज नहीं करेगी तो ये था धारा सोलह सत्रह अठारह धारा सोलह में एक बात है जो मैं अब आपको फिर से बताऊं अभी अचल संपत्ति की बात हो रही थी तो बीच में मैंने उस पॉइंट को नहीं रेज किया अब एक चीज ध्यान रखिएगा धारा सोलह में जो कई प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन हम लोग देख रहे थे उसमें एक बात थी कि मूवेबल प्रॉपर्टी एक्चुअली अंडर डिस्ट्रेंट आर अटैचमेंट हा मूवेबल प्रॉपर्टी एक्चुअली अंडर डिस्ट्रेंट आर अटैचमेंट ये उसमें लिखा हुआ था ध्यान दीजिए अभी हम देख रहे हैं पूरा ग्रुप ऑफ सेक्शन अचल संपत्ति की बात करते हैं धारा सोलह सत्रह अठारह अचल संपत्ति की बात करते हैं लेकिन जब धारा सोलह अटैच कर ली गई है इसका मतलब धारा सोलह में चल संपत्ति की भी बात है अब यहां पे चल संपत्ति क्यों आ गई भाई इसलिए कि वो मोबेबुल प्रॉपर्टी कैसी है उस लाइन को जब आप पढ़ेंगे में, तो उसमें लिखा हुआ है मोबेबुल प्रॉपर्टी एक्चुअली अंडर अटैचमेंट अगर जब वो डिस्टेंट और अटैचमेंट कर ले कोर्ट के द्वारा जब मोबाइल प्रॉपर्टी को सीज कर लिया गया तो मोबाइल प्रॉपर्टी का नेचर कैसा हो गया प्रकृति कैसा हो गया अचल संपत्ति के तरीके का जैसे मान लीजिए कोई मोबाइल प्रॉपर्टी को पकड़ करके जमीन में उसको गाड़ दिया आधा और आधा छोड़ दिया तो जैसे ही छोड़ दिया अब आधा वो नीचे गड़ी हुई है हालांकि उचल संपत्ति है जैसे मान लीजिए हमारे पास स्कूटर है हमारी स्कूटर को कोर्ट ने सीज कर लिया उसकी आधी पहिया में जमीन में नीचे गाड़ दिया या उसको चेन से लगा करके लॉक कर दिया और कोर्ट ने उसको सीज कर दिया तो अभी तक तो वो मोवेबल तो उसको हम चला सकते थे लेकिन अब वो इमूवेबल हो गई क्यों क्योंकि उसको अटैच कर दिया ठीक है ना तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के डेफिनेशन है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में अगर आप देखेंगे संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 में तो अचल संपत्ति की परिभाषा है अचल संपत्ति कौन है जो अटैच टू दी अर्थ लिखा हुआ है उसमें जो जमीन से अटैच है जो हिल नहीं सकती जो परमानेंटली फास्टेंड है कोई भी चीज से जो अटैच टू दी अर्थ है तो बड़ी वाइड डेफिनेशन है तो जिस चीज को आप हिला डुला नहीं सकते जो फिक्स कर दी गई एक जगह उसको अचल संपत्ति मानते हैं हालांकि वो चल है उसी तरीके से यह चल संपत्ति है लेकिन चूंकि इसको अटैच कर दिया गया एक जगह तो अचल नेचर का हो गया अचल नेचर का हो गया इसलिए धारा सोरो में इसकी बात है तो धारा सोरो जब आप पढ़ेंगे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि इसमें मोबल प्रॉपर्टी की भी बात है ना वो मोबल प्रॉपर्टी ऐसी है जो प्रॉपर्टी के के नेचर नेचर का का है, है, अचल संपत्ति के नेचर का है, इसलिए धारा उसको अपने अंदर देखा, तो देखा सामान्य मुकदमा कहां होगा सबसे लिंच लिया अठारह में।, में हम लोगों ने क्या देखा अचल संपत्ति के मामले में मुकदमा कहां होगा जहा अचल संपत्ति सेचुएट करेगी या अगर डिफेंडेंट का पर्सनल ओबीडियंस है तो प्लेंटिव के पास दो ऑप्शन है अचल संपत्ति अगर डिफरेंट कोर्ट में है किसी में भी हो सकता है अगर अनसर्टेन है फिर भी किसी में हो सकता है वो सारे प्रोसीजरल फॉर्मेलिटी का रिक्वायरमेंट को पूरा करना पड़ेगा अब आगे हम बढ़ते हैं अचल संपत्ति के बाद आगे क्या है अगर आप चार्ट में देखेंगे तो अचल संपत्ति के बाद हमारे पास है अगला चल संपत्ति और शरीर से संबंधित अपकृत्य धारा 19 ये लिखा हुआ है अगर मुकदमा चल संपत्ति से है और शरीर से संबंधित अपकृत्य से है तब धारा 19 की बात है अब ध्यान दीजिए यह क्या चीज है अगर मुकदमा चल संपत्ति से है या रॉन्ग टू पर्सन से है रॉन्ग टू पर्सन हमारे शरीर के खिलाफ अपकृत्य किया गया जिसको हम बोलते हैं नेग्लिजेंस न्यूसेंस डिफेमेशन शॉक अगर आप अपकृत्य विधि पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कितने अपकृत्य पॉसिबल हैं शरीर के खिलाफ तो सारे अपकृत्य जो हैं अगर उनमें से कोई भी अपकृत्य शरीर के प्रति किया गया है या मामला चल संपत्ति से संबंधित है तो इसमें मुकदमा कहां पर स्थित होगा तो इसमें दो बातें हैं इसमें दो बातें हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट प्लेंटिव मुकदमा वहीं पे संस्थित करेगा या तो जहां पे रॉन्ग कमिट किया गया है और या तो जहां डिफेंडेंट रिजाइड करता है ध्यान दीजिए उसमें डिफेंडेंट के रेजिडेंस में बड़ा वाइड लाइन है वेयर डिफेंडेंट रिजाइड्स आर कैरीज ऑन बिजनेस आर पर्सनली वर्क फॉर पर गेन ये सब लिखा हुआ है तो जहां डिफेंडेंट रिजाइड करता है वहां पे भी कर सकते हो माने जहां पे रहता है उसका निवास स्थान है वहां पे, पे, पे भी कर सकते हो या डिफेंडेंट जहाँ पे बिजनेस व्यापार करता है वहां पे भी कर सकते हो या डिफेंडेंट जहाँ वर्क फॉर गेन लाभ के लिए काम करता है वहां पे भी आप मुकदमा दाखिल कर सकते हो तो बड़ा उसमें बहुत चीजें उसमें लिखी हुई हैं मैं उतना डिटेल में हर वर्ड को नहीं कर सकता क्योंकि टाइम कॉन्स्टेंट भी है अपने पास तो मैं मोटा मोटी आपको चीज यहाँ पे बता रहा हूँ तो धारा उन्नीस में क्या लिखा हुआ है धारा उन्नीस कहता है कि जहां पे रॉन्ग कमिट हुआ है प्रॉपर्टी से वहां पे या तो आप मुकदमा दाखिल कर दीजिए या तो जहां पे डिफेंडेंट रहता है वहां पे मुकदमा दाखिल कर दीजिए तो प्लेटिव के पास दो ऑप्शन है अब जैसे मान लीजिए मैं इसमें एग्जाम्पल बताऊं मेरे शरीर से रॉन्ग कमिट किया गया है मैं जाता हूं बनारस घूमने के लिए और वहां पे कोई हमारा डिफेमेशन कर देता है तो डिफेमेशन क्या है शरीर से संबंधित अपकृत्य है डिफेमेशन है हमारा तो डिफेमेशन कर दिया है हमारा तो ये शरीर से संबंधित अपकृत्य है इसके लिए मुकदमा हमको दाखिल करना है अब ध्यान दीजिए बनारस में हमारे शरीर से संबंधित अपकृत किया गया और जो करने वाला है वो मान लीजिए कानपुर का रहने वाला है तो कानपुर का बंदा बनारस में हमारा डिफेमेशन करता है अब हमको मुकदमा इसमें दाखिल करना है हमारे पास दो ऑप्शन है पॉइंट नंबर फर्स्ट जहां पे रॉन्ग कमिट किया गया है तो रॉन्ग कहां पे कमिट हुआ बनारस में पॉइंट नंबर सेकंड जहां पे डिफेंडेंट रहता है तो डिफेंडेंट कहां का रहने वाला है कानपुर का तो हमारे पास दो ऑप्शन है या तो मैं बनारस में जाके मुकदमा करूं जहां रंग कमिट हुआ है या तो मैं कानपुर में मुकदमा करूं जहां डिफेंडेंट रहता है हालांकि मैं दिल्ली में रहता हूं लेकिन मैं दिल्ली में मुकदमा नहीं कर सकता क्योंकि प्लेंटिव का प्लेस ऑफ स्विंग रिकॉग्नाइज नहीं है सीपीसी के द्वारा मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था तो इसमें दो ऑप्शन है जहां जहां पे रांग कमिट हुआ है प्रॉपर्टी से या तो वहां पे करेंगे और चाहे तो जहां पे डिफेंडेंट रिजाइड पर्सनली वर्क फॉर गेन और कैरीज ऑन बिजनेस करता है वहां पे करेंगे तो ये धारा 19 बताती है अब ध्यान दीजिए धारा बीस चाहे धारा उन्नीस में मैं एक एग्जाम्पल आपको दे देता हूं एक एग्जाम्पल देखिए धारा उन्नीस में क्या बोल रही है धारा उन्नीस कर ये मान लीजिए हमारी चल संपत्ति है और हमारी चल संपत्ति जो है वो दिल्ली में है दिल्ली से हमारी चल संपत्ति को किसी ने नुकसान कर दिया दिल्ली में और मैं दिल्ली में ही रहता हूं और जो नुकसान करने वाला है वो चेन्नई का है तो यहां पे हमारी चल संपत्ति तो दिल्ली में है और चल संपत्ति से जो नुकसान भी किया गया वो दिल्ली में किया गया मैं दिल्ली में रहता भी हूं लेकिन जिसने किया है वो चेन्नई में रहता है तो अब हमारे पास दो ऑप्शन है जहां पे रंग कमिट किया गया रंग कहां पे कमिट हुआ दिल्ली में हालांकि दुर्भाग्य से या सौभाग्य से दिल्ली में मैं रहता भी हूं तो इसको प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ प्लेंटिव नहीं मानेंगे ध्यान दीजिए अब आप ये नहीं कहेंगे कि नहीं नहीं यहां तो प्लेंटिव रहता ही है ये तो प्लेंटिव के घर में मुकदमा हो गया ना ना ये प्लेंटिव के घर का मुकदमा नहीं है ध्यान दीजिए ये वो मुकदमा है जहां पे रॉन्ग कमिट किया गया है तो सिंस रॉन्ग हैज बिन कमिटेड एट दिल्ली तो मैं दिल्ली में सूट फाइल कर दूं या तो डिफेंडेंट रहता है चेन्नई में तो हम चेन्नई में सूट फाइल कर दें तो ये धारा उन्नीस है तो हो सकता है प्लेंटिव वहां रहता भी है जहां रॉन्ग कमिट हुआ है तो इससे कोई मतलब नहीं है ऐसा नहीं है कि जहां प्लेंटिव रहता है वहां मुकदमा दाखिल ही नहीं होगा प्लेंटिव रहता है इसको ध्यान में रखना ही नहीं है हमको ध्यान में क्या रखना है कहां रांग कमिट हुआ है या हमको ध्यान में रखना है डिपेंडेंट कहां रहता है या कहां बिजनेस करता है या कहां पर्सनली वर्क फॉर गेन करता है हमको इसको ध्यान में रखना है अब प्लेटिव रहता है नहीं रहता है इसका कॉग्निजेंस लॉ लेगा ही नहीं इससे कोई मतलब नहीं है ठीक है ना तो ये था धारा उन्नीस अब धारा बीस में आइए थोड़ा सा धारा बीस क्या बोलती है अन्य मामले अन्य मामले में अभी हम लोगों ने देखा धारा पंद्रह जनरल सामान्य तौर पर कहां होगा धारा सोलह सत्रह अठारह अचल संपत्ति में कहां होगा धारा उन्नीस कहता है चल संपत्ति और शरीर से संबंधित अपकृत्य में कहां होगा अब धारा बीस क्या बोल रहा है धारा बीस बोल रहा है कि अन्य मामले में मुकदमा कहां होगा ध्यान दीजिए अन्य मामले में मुकदमा कहां होगा अन्य मामला क्या है जैसे मैं आपको बताऊं अन्य मामला का मतलब एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा अन्य मामले का मतलब जैसे मान लीजिए मैं घूमने जाता हूं अयोध्या का राम मंदिर जब मैं वहां घूमने जाता हूं तो वहां तीन चार लोग आए हुए हैं कलकत्ता से और मैं वहां पे जाता हूं दिल्ली से उन तीनों चारों लोगों ने हमारा डिफेमेशन कर दिया हमारी मानहानि कर दिया अयोध्या के अंदर तो तीन चार लोगों ने जो कलकत्ता से आए थे अयोध्या में हमारी मानहानि कर दी मैं दिल्ली से गया था अब ध्यान दीजिए अभी तक हम लोगों ने देखा कि शरीर से संबंधित अपकृत्य अगर होगा तो हम मुकदमा वहीं पे दाखिल करेंगे या तो जहां पे कॉज ऑफ एक्शन हुआ है और या तो जहां पे डिफेंडेंट रहता है अच्छा ये जो तीन चार लोग आए हैं इसमें से मान लीजिए एक तो कलकत्ता का रहने वाला है जो मैंने अभी आपको बताया फर्ज करिए थोड़ा सा इसमें से जो जो एक एक है 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 वो वो उड़ीसा का का रहने रहने वाला वाला और उसमें ऐसे तीन लोग हैं और एक उड़ीसा से आया एक आसाम से आया एक कलकत्ता से आया बंगाल से आया और तीनों अयोध्या में आए हैं और मैं यहां दिल्ली से गया हूं उन तीनों ने हमारा डिफेमेशन किया गाली गलौज हो गई और हमारा डिफेमेशन कर दिया हमको बड़ी बेइज्जती महसूस हुई अब इसको लेकर के हमको सूट फाइल करना है अब जब हमको सूट फाइल करना पड़ेगा तो अभी तक जो रूल हम लोगों ने देखा जहां पे काज अफेक्शन एराइज हुआ है काज अफेक्शन कहां पे एराइज हुआ अयोध्या में जहां पे हमको उन लोगों ने डिफेमेशन किया तो या तो मैं अयोध्या में सूट फाइल करूं या दूसरा हम लोगों ने देखा था जहां पे डिफेंडेंट रिजाइड करता है तो डिफेंडेंट यहां पे तीन है अपोजिट पार्टी तीन है और तीनों तीन अलग अलग जगह रिजाइड करते हैं अब मान लीजिए जहां काज अफेक्शन एराइज हुआ है वहां पर मैं नहीं सूट फाइल करना चाह रहा हूं जबकि मैं वहां दाखिल करना चाह रहा हूं जहां पे डिफेंडेंट रहता है तो अब मान लीजिए पहले डिफेंडेंट की बात करें वो कलकत्ता का रहने वाला है दूसरे डिफेंडेंट की बात करें तो वो कटक में उड़ीसा का रहने वाला है और तीसरे की बात करें तो वो गुवाहाटी में आसाम का रहने वाला है तो अब मैं कटक में मुकदमा दाखिल करूँ गुवाहाटी में कि कलकत्ता में करूं अब तो बड़ा मुश्किल सा हो गया क्योंकि डिफेंडेंट तीन है और तीन जगह रहते हैं इसमें धारा बीस क्लियर करती है धारा बीस क्या बताती है कहती है कि ये तीनों में से अगर मान लीजिए जहां काज आप एक्शन हुआ है वहां आपको नहीं करना है क्योंकि ऑप्शन हमारे ऊपर है प्लेंटिव तो मान लीजिए मैं वहां नहीं कन्वीनियंट फील कर रहा हूं इसलिए नहीं कन्वीनियंट फील कर रहा हूं जैसे मैं बता दू मान लीजिए कलकत्ता में हमारा भाई रहता है मान लीजिए दो मिनट के लिए फर्ज करिए तो कलकत्ता में अगर मैं मुकदमा दाखिल करूंगा ऐसे दिल्ली से हमको हमेशा जो आना पड़ेगा लेकिन कलकत्ता में मैं कर दूंगा तो हमारा वहाँ भाई रहता है हमारे मुकदमे को वहां देख लेगा तो इसलिए मैं कलकत्ता में इंस्टीट्यूट करना चाहता हूं तो एक डिफेंडेंट तो कलकत्ता का रहने वाला है लेकिन एक गुवाहाटी का रहने वाला है और एक कटक उड़ीसा का रहने वाला है अब कैसे होगा यहां पे धारा भी बताती है कि आपका मन करे आप कलकत्ता में करें आपका मन करे आप गुवाहाटी में करें और आपका मन करे आप कटक में करें यह हमारे ऊपर है लेकिन कब तक जब तक इनडिफेंडेंट ने ऑब्जेक्शन नहीं रेज किया है अगर मान लीजिए जो नॉन रेजिडेंट डिफेंडेंट है वो ऑब्जेक्शन रेज कर दिया जैसे मान लीजिए मैंने स्थित कर दिया कलकत्ता में और गुवाहाटी का रहने वाला जो है वो ऑब्जेक्शन रेज करता है कता है नहीं भाई हम गुवाहाटी नहीं जाएंगे हम कलकत्ता नहीं जाएंगे बार बार मुकदमे को देखने के लिए चूंकि मैं डिफेंडेंट हूं मैं गुवाहाटी में रहता हूं तो आप गुवाहाटी में मुकदमा करिए कटक वाला भी ऑब्जेक्शन रेज कर देता है कहता है नहीं नहीं हम कलकत्ता नहीं जाएंगे मुकदमा आप कटक में दाखिल करिए क्योंकि हमको कलकत्ता बार बार जाना पड़ेगा तो अब ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बड़ा मुश्किल सा हो जाएगा अब आप जब कलकत्ता में दाखिल करेंगे तो वो दोनों ऑब्जेक्शन रेज करेंगे जब कटक में करेंगे तो जो लेफ्ट आउट दोनों हैं वो करेंगे और जब आप गुवाहाटी में करेंगे तो ये दोनों जो लेफ्ट आउट हैं ये ऑब्जेक्शन रेज करेंगे और अयोध्या में आप करना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि बार बार आपको दिल्ली से आना पड़ेगा तो अब क्वेश्चन ये है कि आप कहाँ पर मुकदमा दाखिल करेंगे और कैसे करेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि अगर नॉन रेजिडेंट डिफेंडेंट ऑब्जेक्शन नहीं रेज करते हैं तब तो तीनों में से कहीं आप कर देंगे कोई बात ही नहीं है क्योंकि जो बचे हुए लोग उनको कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है लेकिन अगर नॉन रेजिडेंट डिफेंडेंट को ऑब्जेक्शन है तब आपको कहां करना पड़ेगा तब विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट एट एनी प्लेस ध्यान दीजिए लिखा हुआ है धारा भी इसमें न्यायालय के इजाजत से इन तीनों में से कहीं तो आप न्यायालय की इजाजत लेंगे कोर्ट से पूछेंगे कि जज साहब आप बताओ इस मामले में हम कहां पर जाए तो कोर्ट इसमें से कोई भी प्लेस जो आइडेंटिफाई कर देगी आउट ऑफ थ्री उसमें से आप मुकदमा जाके दाखिल कर सकते हैं अब इसमें डिफेंडेंट का ऑब्जेक्शन नहीं सुना जाएगा अब डिफेंडेंट करेगा भी तो कोर्ट उसको चुप करा देगी कहेगी नो आप लोगों ने इसका डिफेमेशन किया है तो सूट तो इसको फाइल करना ही करना है अब आपके कहने से थोड़े होगा कि आपके घर में होगा उनके घर में होगा उनके घर में होगा जहां इसको कन्वीनियंट होगा ये सारे प्लेस में वहां करेगा तो ये ठीक है कलकत्ता में करता है क्योंकि उसका भाई यहां पर रहता है वहां पर सूट फाइल कर सकता है तो ये है धारा बीस तो जो हम लोगों ने इस चैप्टर के बारे में देखा धारा पंद्रह में हम लोगों ने देखा सामान्य तौर पर मुकदमा कहा होगा धारा सोलह सत्रह अठारह में हम लोगों ने देखा अचल संपत्ति में मुकदमा कहां होगा धारा उन्नीस में हम लोगों ने देखा चल संपत्ति और शरीर से अपकृत में मुकदमा कहां होगा और धारा बीस में हम लोगों ने देखा अन्य मुकदमे पे संस्थित किए जाएंगे अब जो चार्ट का लास्ट पॉइंट अगर आप स्क्रीन पे फिर से देखेंगे तो आपको दिखेगा शुरू शुरू में बात प्रस्तुत करने के स्थान को मैंने तीन भागों में बांटा हुआ है पहला है सामान्य धारा पंद्रह दूसरा है विशिष्ट धारा सोलह से लेके बीस इतना हम लोगों ने डिस्कस कर लिया पंद्रह सोलह से लेकर बीस तक अब हम लोगों को तीसरा कॉम्पोनेट लेकर डिस्कस करना है जिसमें आक्षेप की बात है जिसमें धारा और एककईस ए है ये है ये आक्षेप क्या मैं आपको बताऊं इसको ऑब्जेक्शन बोलते हैं अंग्रेजी में का ऑब्जेक्शन अधिकारिता का ऑब्जेक्शन रेज करना है अब कैसा ऑब्जेक्शन धारा पे आते हैं पहले धारा पे क्या बोलता है धारा धारा बोल रही है ऑब्जेक्शन एज टू प्लेस ऑफ सोइंग धारा धाराइस की सब धारा शब्द की, सब धारा दो, है और धारा की सब धारा तीन, तो तो तीन बातें अगर प्लेस ऑफ सुइंग से संबंधित कोई ऑब्जेक्शन आपको रेज करना है क्योंकि प्लेस ऑफ सुइंग की अधिकारिता को लेकर के आप संतुष्ट नहीं है तो आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है तो आप कहां करोगे कैसे करोगे और कब तक करोगे उसी तरीके से आर्थिक अधिकारिता का अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है हालांकि कोर्ट डिसाइड कर दी है लेकिन आपके दिमाग में वो डाउट क्रिएट कर कि नहीं इसको तो जो एडिक्शन नहीं था इसने कैसे डिसाइड कर दिया और आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है तो फिर आप कब करोगे और कब तक करोगे और उसी तरीके से अगर एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है जो डिक्री ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर चुकी है और उसके एग्जीक्यूशन के शक्ति पे भी आपको सवाल है और जिस सवाल को आप रेज करना चाहते हैं अपीलेट कोर्ट में या रिविजनल कोर्ट में तो आप कब करोगे और कैसे करोगे ये धारा इक्कीस में तीनों बात बताई गई है तो धारा इक्कीस की सब धारा वन क्या बोलती है ऑब्जेक्शन है टू तो प्लेस ऑफ स्विंग अगर स्थान को लेकर के कोई ऑब्जेक्शन है तो कब तक करेंगे आप लिखा हुआ है उसमें अर्लिएस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी ध्यान दीजिए जितना जल्दी संभव हो सके उतना जल्दी आप इसको इंस्टीट्यूट करें जितना जल्दी संभव हो सके दूसरा बोल रहा है कि अगर आपको अर्लिएस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी का क्या मतलब भाई जितना जल्दी हो सके तो उसको सीपीसी आगे बताती है कि सेटलमेंट ऑफ इशू तक उसके बाद नहीं सेटलमेंट ऑफ इशू तक ही आपको रेज करना है अब यह सेटलमेंट ऑफ इशू क्या है इसको मैं थोड़ा सा यहां पर बता लू नहीं तो आपको क्लियर नहीं होगा सेटलमेंट ऑफ इशू सीपीसी के आदेश चौदह में बताया गया है आदेश फोर्टीन कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जिसमें बताया गया है हाउ इशू इज टू बी फ्रेम्ड बाई कोर्ट ऑफ लॉ न्यायालय विवाद्यकों की रचना कैसे करेगी यह लिखा हुआ है आदेश चौदह में क्या है विवादक जैसे मैं आपको बताऊं मैं प्लेंट दाखिल करता हूं इस पेन के लिए कोर्ट में मैं कहता हूं जज साहब ये पेन हमारी है अपोजिट पार्टी को बुलाया जाता है और जब मैं प्लेट प्लेट दाखिल करूंगा तो जिस डॉक्यूमेंट को लेकर के कोर्ट में जाऊंगा उसको हम प्लेंट बोलते हैं कोर्ट समन भेजेगी अपोजिट पार्टी को अपोजिट पार्टी आएगा और इसमें डिफेंस लेगा जब वो डिफेंस जिस डॉक्यूमेंट से लेगा उसको हम बोलते हैं रिटर्न स्टेटमेंट प्लेट आदेश में सीपीसी में लिखा हुआ है स्टेटमेंट आदेश सीपीसी में लिखा हुआ है तो आदेश सात में मैं प्लेंट रेज करूंगा जब समन उसको जाएगा आदेश पांच में तो उसके कंप्लायंस में वो रिटर्न स्टेटमेंट सबमिट करेगा आदेश आठ में जब प्लेट और रिटर्न स्टेटमेंट दोनों न्यायालय में आ जाएंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ प्लेट एंड रिटर्न स्टेटमेंट मेरा कंटेंशन होगा मेरा क्लेम होगा और डिफेंडेंट का डिनाइल होगा तो ये क्लेम और डिनाइल के आधार पे इशू फ्रेम किया जाएगा इशू को बोलते हैं व्हाट आर द डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज पक्षकारों के बीच में झगड़ा क्या है डिस्प्यूट क्या है इसको हम बोलते हैं विवादक इसको हम बोलते हैं इशू तो इशू फ्रेम कर दिया जाएगा इशू फ्रेम कब होता है जैसे ही प्लेंटिव का प्लांट और डिफेंडेंट का रिटर्न स्टेटमेंट आ जाता है तो अगर आपको जो अब आप धारा इक्कीस पे चलिए धारा इक्कीस में हम लोगों ने देखा कब तक करना है आपको अर्लीएस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी जितना जल्दी संभव हो सके लेकिन जितना जल्दी संभव होने का क्या मतलब विवादित की विरचना तक या उसके पहले तो ये विवाद देखो कि बिचना का स्टेज है आपको यहीं तक ऑब्जेक्शन रेज करना है इसके बाद ऑब्जेक्शन नहीं रेज करने दिया जाएगा नहीं तो आपको रोक दिया जाएगा विवाद देखो कि बिचना तक ही आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं इसके बाद ध्यान दीजिए वह भी अर्लिएस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी और दूसरा जो बोल रहा है कि बिफोर द सेटलमेंट ऑफ इश्यू आप ऑब्जेक्शन आप रेज करेंगे वो भी तब एक चीज और आपको कोर्ट को सेटिसफाई करना पड़ेगा कि इससे कॉन्सिक्वेंट फेल्योर ऑफ जस्टिस है आपको समय से जाना है और समय से जाकर के यह साबित भी करना है कि जज साहब रॉन्ग प्लेस ऑफ स्विंग से कॉन्सिक्वेंट फेल्योर ऑफ जस्टिस हो गया अगर दूसरी अदालत जो कॉम्पिटेंट थी प्लेस ऑफ स्विंग के आधार पर अगर वो डिसाइड करती तो शायद न्याय होता लेकिन चूंकि इन्होंने डिसाइड कर दिया इसलिए इसमें तो अन्याय हो गया है तो कॉन्सिक्वेंट फेल्योर ऑफ जस्टिस हो गया यह चीज अगर सेटिस्फाई आप कर देंगे तो आपके मामले को अपीलेट और रिविजनल कोर्ट सुनेगी लेकिन अगर यह चीज आप नहीं करेंगे तो केवल इस आधार पे कि नहीं रॉन्ग प्लेस ऑफ स्विंग है और आप बड़े समय से न्यायालय में इसको रेज भी कर दिए हैं आपको कोई रेमेडी मिलने वाली नहीं है आपको बताना भी पड़ेगा कि ये रॉन्ग प्लेस ऑफ स्विंग है मैं न्यायालय में समय से आया हूं जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आया हूं और मैं सेटलमेंट ऑफ इशू के पहले आया हूं लेकिन कुल के बाद ओवर एंड एव ऑल दीज थिंग्स इट अमाउंट्स टू कॉन्सिक्वेंट फेल्योर ऑफ जस्टिस ये भी आपको बताना पड़ेगा कि इससे न्याय की अवहेलना हो गई है और जब कोर्ट इससे हो जाएगी तो प्लेस ऑफ सुइंग के आधार पर की गई डिक्री को खारिज कर देगी तो ये था धारा इक्कीस का सब धारा वन अब धारा इक्कीस के सब धारा दो पे जब आप चलेंगे उसमें लिखा हुआ है ऑब्जेक्शन टू पिक्यूनरीशन आर्थिक अधिकारिता के बारे में आक्षेप मान लीजिए वो कोर्ट ने मामले को डिसाइड कर दिया जिसको आर्थिक अधिकारिता नहीं थी हमारी प्रॉपर्टी पचास हजार रुपए की है और उसका निस्तारण किसने कर दिया उस कोर्ट ने कर दिया जिसको मैक्सिमम जोरिस्टिक्शन दस हजार रुपये का है तो हमारी तो प्रॉपर्टी पचास हजार रुपए की थी बड़ी अदालत के द्वारा होना चाहिए था ये मेरे दिमाग में चल रहा है कि अरे भाई ये तो छोटी अदालत है इसको तो आर्थिक अधिकारिता नहीं थी इसने कैसे डिसाइड कर दिया इसका मैं ऑब्जेक्शन रेज कर सकता हूं अपीलेट कोर्ट में या रिविजनल कोर्ट में जब मैं वहां पर जाऊंगा तो फिर इसमें इक्कीस के सब धारा दो में भी लिखा हुआ है कि जैसे प्लेस ऑफ सोइंग का ऑब्जेक्शन आपने रेज किया

और तीसरा है धारा धारा का सब ऑब्जेक्शन टू कॉम्पिटेंस ध्यान दीजिए निष्पादित न्यायालय की सक्षमता का आक्षेप अगर आपको लेना है ऑब्जेक्शन अगर आपको लेना है तो उसको भी आपको कब तक लेना है अर्लिएस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी वहां पे सेटलमेंट ऑफ इशू नहीं है क्योंकि एग्जीक्यूशन में इशू नहीं फॉर्मुलेट होता है इसलिए वहां सीपीसी में सब सेक्शन जो है है का का धारा एक कैस का, वो चुप है इस मामले में तो कहता है जितना जल्दी संभव हो सके एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के कॉम्पिटेंसी का आक्षेप आप ले सकते हैं और कॉन्सिक्वेंट फेल्योर ऑफ जस्टिस भी आपको साबित करना पड़ेगा जैसे ऊपर दोनों में आपने साबित किया यहां पे भी साबित करना पड़ेगा कि इस हो जाने से न्याय की अवहेलना हो गई है तो अगर ये आप साबित कर देंगे तो खारिज कर दिया जाएगा तो ये धारा इक्कीस रॉन्ग प्लेस ऑफ सुइंग के आधार पर डिक्री भी खारिज हो जाएगी आर्थिक अधिकारिता के आधार पर भी डिक्री खारिज हो जाएगी और कॉम्पिटेंस ऑफ एग्जीक्यूटिंग कोर्ट पे भी डिक्री खारिज हो जाएगी लेकिन आपको जल्दी से जाना पड़ेगा जल्दी से का मतलब सेटलमेंट ऑफ इशू तक और आपको न्यायालय को ये भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि इस डिसीजन से न्याय की अवहेलना हो गई है तब तो हो जाएगा तो ये था धारा इक्कीस और लास्ट धारा है धारा इक्कीस कैपिटल ए ये इस चैप्टर का इस पूरे मॉड्यूल का लास्ट सेक्शन है अंतिम सेक्शन है धारा इक्कीस ए में क्या लिखा हुआ है रॉन्ग प्लेस ऑफ सुइंग के आधार पे जो डिक्री हो गई उस डिक्री को करने के लिए फ्रेश सूट आप इंस्टीट्यूट कर सकते हैं कि नहीं ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है और धारा इक्कीस ए इसको क्लियर करता है कि रॉन्ग प्लेस ऑफ सुइंग के आधार पे अगर किसी न्यायालय में मामले को निस्तारित कर दिया गया और उस न्यायालय ने उसमें सिविल कोर्ट की डिक्री पास कर दी तो उस डिक्री का ऑब्जेक्शन सूट दाखिल करके आप नहीं ले सकते क्योंकि ऑलरेडी मामला वो डिसाइडेड है इसमें सूट इंस्टीट्यूट करेंगे तो उस सूट में सेक्शन 11 सीपीसी का सारा प्रिंसिपल लागू हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा और जो सब्सिक्वेंट सूट है और जो पाला वाला सूट हो जाएगा और फार्मर सूट हो जाएगा जो पिछले वाले मॉड्यूल में मैंने आपको अभी बताया था तो उसमें ये रेस जुडिकेटा से बार्ड हो जाएगा तो ऐसे सूट नहीं परमिटेड है सीपीसी में वो कहता है ना ऐसे सूट नहीं परमिट है रॉन्ग प्लेस ऑफ सुंग के आधार पे दिए गए डिक्री और निर्णय को खारिज करने के लिए फ्रेश मुकदमा दाखिल करना ये रेस जुडिकेटा के समान है और धारा इक्कीस कैपिटल ए इसको मना करता है कहता है ऐसा मुकदमा आपको दाखिल नहीं करना है हालांकि वो दूसरे कोर्ट के द्वारा डिसाइड करना चाहिए था प्रॉपर्टी सिचुएट करती है गाजीपुर में और उस प्रॉपर्टी का ओनरशिप डिसाइड कर दिया बनारस का कोर्ट जो एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट का कोर्ट है तो रॉन्ग प्लेस ऑफ सुइंग है इसको गाजीपुर वाले कोर्ट को डिसाइड करना चाहिए था लेकिन बनारस वाले ने डिसाइड कर दिया तो आप इसका ऑब्जेक्शन रेज करना चाह रहे हैं और आप इसको इसमें सूट फाइल करके डिक्री को खारिज करना चाह रहे हैं इसमें देखिए अगर इसका ऑब्जेक्शन रेज करना है आपके पास धारा इक्कीस सब धारा एक है जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया ऑब्जेक्शन रेज करना है आप ऑब्जेक्शन रेज कर दीजिए कब तक अर्लिएस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी कब तक सेटलमेंट ऑफ इशू तक जबकि आप कॉन्सिक्वेंट फेल जस्टिस को बता देंगे तो ऑब्जेक्शन आप रेज कर सकते हैं लेकिन इसको सूट नहीं इंस्टीट्यूट करेंगे टू द द डिक्री हैज बीन बाय कोर्ट धारा 21 कैपिटल ए में बात लिखा हुआ है तो ये बड़ा थिन डिफरेंस है इसमें जनरली हो जाता है माइंड में पढ़ने वाले के रीडर के माइंड में कंफ्यूजन हो जाता है कि धारा एक सब धारा एक और धारा कैपिटल ए में क्या डिफरेंस है तो इसमें यही डिफरेंस है आप ध्यान दीजिए वहां पे ऑब्जेक्शन की बात है यू कैन रेज रे ऑब्जेक्शन बिफोर अपीलेट दिवीजनल कोर्ट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ लेकिन धारा इक्कीस सूट इंस्टीट्यूट करना है क्या यू कैन इंस्टीट्यूट द फ्रेश सूट फॉर सेटिंग असाइड द डिग्री विच द ग्राउंड ऑफ रॉन्स मीन प्लेस ऑफ सोइंग नो सीपीसी को डिनाई करती है कहती है ना आप नया सूट नहीं इंस्टीट्यूट कर सकते हाँ आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं वो दूसरी बात है तो ये जो पूरा चैप्टर है ये धारा पंद्रह से इक्कीस ए तक है और इसमें हम लोगों ने ये सारी बातों को देखा अब एक बार मैं इसको समप्त करूं आपके सामने हम लोगों ने क्या देखा हम लोगों ने ये देखा वाद दाखिल करने का स्थान वाद दाखिल करने का स्थान और वाद दाखिल करने की प्रक्रिया तो इसमें हम लोगों ने देखा दो प्रोमिनेंट रूल इसमें काम करते हैं जो मैंने स्क्रीन पे भी लिखा था आपको इंफेसाइज करके बताया था एक को बोलते हैं रूल ऑफ लेक्स रूटस और एक को बोलते हैं रूल ऑफ रेजिडेंस तो वाद या तो आप वहां पे दाखिल कर सकते हैं जहां प्रॉपर्टी सिचुएट करती है या तो वाद आप वहां पे दाखिल कर सकते हैं जहां पे अपोजिट पार्टी माने डिफेंडेंट जिसके खिलाफ मुकदमा दाखिल हुआ है वो रहता है इन दोनों में से कहीं भी कर सकते हैं ये दो प्रोमिनेंट रूल है जो इसमें काम करते हैं अब आप ध्यान दीजिए जब धारा पंद्रह को हम लोगों ने देखा था तो हम लोगों ने धारा पंद्रह में यह देखा था कि सामान्य तौर पे मुकदमा कहां पे दाखिल करेंगे तो हम बोलते हैं कोर्ट ऑफ लोएस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट टू ट्राई कोर्ट ऑफ लोएस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट टू ट्राई सबसे निचली अदालत में सबसे निचली अदालत क्या है डिपेंड करेगा फैक्ट और सिचुएशन ईच एंड एवरी केस में जब हम अचल संपत्ति की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि कहां पे मुकदमा इंस्टीट्यूट होगा और कैसे होगा तो इसके लिए हमारे पास सारा धारा सोलह सत्रह और अट्ठारह तो हम लोगों ने देखा सामान्य तौर पे जहां अचल संपत्ति सिचुएट करती है लेकिन अगर ओबीडीएंस है डिफेंडेंट का तो प्लेंटिव के पास दो ऑप्शन है जहां प्रॉपर्टी सिचुएट करती है है जहां जहां डिफेंडेंट रहता है। और धारा सत्रह कहता है अगर आपकी प्रॉपर्टी अचल संपत्ति जो है वो डिफरेंट कोर्ट में इंस्टीट्यूट है डिफरेंट कोर्ट में सिचुएट करती है तो आप मामला कहीं भी इंस्टीट्यूट कर सकते हो इस कोर्ट में चाहे उस कोर्ट में और अट्ठारह कहती है कि अगर अनसर्टेन है आपकी अचल संपत्ति कहा है फिर भी आप कहीं पे भी कर सकते हो लेकिन ग्राउंड ऑफ अनसर्टेनिटी एलिज करेंगे कोर्ट सेटिस्फाई होगी अकॉर्डिंगली डिसाइड कर देगी इसके बाद चल संपत्ति और शरीर से अपकृत का मामला हम लोगों ने देखा धारा उन्नीस में तो इसमें जहां पे रॉन्ग कमिट हुआ है मुकदमा तो अन्य मामले में मुकदमा तो आपको दाखिल कैसे करना है इसमें भी देखना है जहां ऑफ एक्शन हुआ या जहां डिफेंडेंट रिजाइड करता है अगर कई डिफेंडेंट है नहीं ऑब्जेक्ट करते हैं कहीं भी अगर ऑब्जेक्ट करते हैं तो ये धारा बीस था धारा 21 में हम लोगों ने देखा अगर ऑब्जेक्शन रेज करना है रॉन्ग प्लेस ऑफ सुइंग का रॉन्ग पिक्यूनरी जुडिसिक्शन का कॉम्पिटेंस ऑफ एग्जीक्यूटिंग कोर्ट का तो आप जल्दी से जल्दी करेंगे सेटलमेंट आप इशू तक करेंगे और कॉन्सिक्वेंट फेल्यूर आप जस्टिस को दर्शाएंगे और अगर आप ये नहीं कर पाएंगे तो आपका मामला रिविजनल और अपीलेट कोर्ट टेकअप नहीं करेगी और धारा इक्कीस ए में हम लोगों ने देखा कि सूट नहीं फाइल करेंगे सेटिंग असाइट डिक्रीच है क्योंकि सूट इंस्टीट्यूट करेंगे तो बार्ड बाई रेस्ट जो हो जाएगा धारा ग्यारह में बार्ड हो जाएगा तो ये पूरा मॉड्यूल जो हम लोगों ने लेक्चर में डिस्कस किया ये धारा 15 से लेके इक्कीस ए की बात हुई तो इसमें आप सारे लोगों ने इसको बड़े ध्यान से सुना आपके पेशेंस यियरिंग के लिए हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी और नेक्स्ट मॉड्यूल में फिर हम मिलते हैं तो नेक्स्ट मॉड्यूल में हम सी पी सी के एक अलग टॉपिक को लेकर आएंगे जिसको समन बोलते हैं तो समन के टॉपिक को हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे थैंक यू ऑल सबको फिर नमस्कार थैंक यू Hello and welcome to this piece of literary snippet. We usually know William Shakespeare as the most revered figure in the history of English literature. But we often tend to forget that he has also been one of the most hated figures in literature. And here I am not talking only about those boys and girls who have to memorize long sections from Macbeth or King Lear or Julius Caesar uh, before they can go and sit for their school and, or college exams. But I am also talking about people who are themselves quite famous authors. Tolstoy, for instance, considered the writings of Shakespeare to be, and I quote, crude. Immoral, vulgar, and senseless. George Bernard Shaw absolutely loathed Shakespeare as he did Homer. But perhaps no other criticism about Shakespeare is more damaging than the one which says that Shakespeare is a marvelous storyteller, provided someone has told him the story earlier now this piece of criticism is particularly damaging because it is true none of shakespeare's plays contain any original story whatsoever they are all written using pre-existing materials pre-existing stories now does that diminish the stature of Shakespeare as a dramatist? Well, I'll leave that for you to decide. See you in the next episode of Literary Snippets.